परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे गुड्स होमोजीनियस हैं, आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जहां पे हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के डिफरेंट सेगमेंट्स में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं और उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछ ले गए हैं उन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, एंड एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन केम इन 2019। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में कौन सी चीज है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस दैट व्हेन अ सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम बायर्स फॉर अ सेम कमोडिटी। यानी किसी एक कमोडिटी या एक गुड के लिए अगर सेलर बायर से अलग अलग प्राइसेस ले सके तो वो कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस और नो? सो हियर व्हाट विल बी डन, डिफरेंट प्राइसेस विल बी चार्ज्ड बाय द सेलर। ठीक है ना, एक ही कमोडिटी के सेलर अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेगा, और किस चीज के, एक ही गुड के, फॉर सेम प्रोडक्ट, ये भी लिख लीजिएगा, है ना, वरना कंफ्यूजन हो सकता है कि अलग अलग गुड के तो अलग अलग प्राइसेस ही चार्ज करेंगे या सेम गुड के अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वालिटी क्या है, देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर गुड सेम होगा पूरी तरह से, 100% सेम गुड है, तो कोई भी सेलर कितना भी ज्यादा होशियार क्यों ना हो, ही कैन नॉट सेल इट एट डिफरेंट प्राइसेस। गुड में कुछ लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन तो होना ही होना चाहिए। सो यहां पे एक पॉइंट नोट वर्दी है, दैट गुड शुड बी स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बुक है, अब अगर वो बुक आपकी दो तरीके से अवेलेबल है मार्केट में, कैसे, अगर आपकी बुक पेपर पैक में, यानी पेपर के फॉर्म में है, यस और नो, तो उस बुक का प्राइस जो होता है वो कम होता है, बोलिए हाँ कि ना, और अगर वो बुक आपकी हैंड बाउंड है ना, वो पूरा हैंड बाउंड आप समझते होंगे, ठीक है, हार्ड कवर के फॉर्म में होती है तो एक्सपेंसिव होती है। बुक सेम है, कंटेंट सेम है, ऑथर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस हल्का से डिफरेंशिएट कर दिया प्रोडक्ट को और उसमें प्राइस डिफरेंस आ गया। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स का। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम इस बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन को शॉर्ट में पीसी लिख रहा हूं, तो देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आपके जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ गुड्स आर देयर। ठीक है ना, होमोजीनियस का मतलब ही हुआ सेम टाइप। तो अगर गुड सेम टाइप के होंगे तो यहां पे प्राइसेस भी सेम रहेंगे, प्राइसेस डिफर नहीं हो सकते। लेकिन मोनोपोली में आपने गुड को हल्का सा डिफरेंशिएट किया तो आप उनके अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, यानी सेलर अगर हल्का सा भी गुड को डिफरेंशिएट करता है सो ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस। अंडरस्टूड? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात, मोनोपोली का भी मैंने आपको बताया। अब जरा अगर हम बात कर ले मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, तो क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा सकते हैं? मैंने आपको दिखा दिया मोनोपोली में किए जा सकते हैं क्योंकि यहां पे गुड्स स्लाइटली डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे गुड्स होमोजीनियस हैं, आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते हैं।
यानी यहाँ पे जो मेजर है, पैरामीटर है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने का, वो डिफरेंशिएशन ऑफ गुड है, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स नहीं है, तो वहां पे तो डिफरेंट प्राइसेस पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली में हो सकता है, ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन है, क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? सो गाइज, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है ना? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जी हाँ, यहां पे भी आप गुड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स देयर विल बी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स, और क्योंकि स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं तो आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको बुक का दिया, जिसमें कि हार्ड बाउंड और पेपर बैग के हिसाब से आप चार्ज कर लेते हो, ठीक है ना? हार्ड बाउंड और पेपर बैग, बोलिए, ठीक है? तो पेपर बैग और हार्ड बाउंड में प्राइसेस डिफर हो गए, जबकि बुक सेम है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट्स, सेम सीट, सेम कोच, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वो एज डिफरेंस के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को कम प्राइसेस में वही सीट अवेल हो जाती है, जबकि आपको एक्सपेंसिव होती है वो सीट, ठीक है? तो रेलवे टिकट्स में भी ये एप्लीकेबल है, एयर टिकट्स में भी यही चीज आती है, ठीक है? इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली होता क्या है और क्यों होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये किस किस तरह का होता है। सो इसके एक्चुअली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। खैर, करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? दूसरा लोकल है। खैर, पर्सनल में क्या होता है, देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं सेलर हूं और मैं क्लोथ सेल करता हूं, ठीक है? अब मैं कोई जीन्स सेल कर रहा हूं और एक कस्टमर आया, मैंने उसको कहा 5000 की जीन्स है, मैंने उसको 5000 में सेल किया। सेम जीन्स मेरा कोई एक्वेंटेंस, मेरा कोई फ्रेंड आ गया लेने, तो मैंने उसको 4200 की दे दी। बात समझ रहे? मैंने क्या किया यहां, सेम प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज सेम, शॉप सेम है, सेलर मैं हूं, लेकिन मैंने सेम जीन्स के अलग अलग प्राइसेस रख दिए ड्यू टू पर्सनल रीजंस। एक बायर को मैंने एक प्राइस पे दी, दूसरे बायर को दूसरे प्राइस पे दे दी, एक ही गुड। बात समझ में आई, ठीक है? ओके, सेकंड एग्जांपल लोकल। इसमें क्या होता है, लोकल या लोकेलिटी कुछ भी बोल लीजिए, मान लीजिए मेरी शॉप है, ओके, मेरी शॉप है, और मान लीजिए मेरी आइसक्रीम की शॉप है। अब मेरी शॉप बड़ी प्रॉफिटेबल है, तो मैंने इस शॉप की एक ब्रांच खोल दी एक पॉश एरिया में, एक्सपेंसिव एरिया में। जब मैंने पॉश एरिया में इसकी दुकान खोली, तो क्या होगा, यही आइसक्रीम शॉप है, सेम फ्लेवर्स, एवरीथिंग इज सेम, इट इज माई ब्रांच ओनली, येस और नो? तो अगर किसी आइसक्रीम का प्राइस, मान लीजिए मैं अपनी ओल्ड शॉप में, जो कि एक नॉर्मल लोकेलिटी में है, वहां पे मैं 80 रुपीज की बेच रहा हूँ आइसक्रीम, तो उसी का प्राइस मैंने पॉश एरिया में 130 रुपीज रख दिया। क्यों? क्योंकि वो एक पॉश एरिया है, इट इज बीइंग एक्वेंटेड बाय रिच पीपल एंड दे हैव हाई पेइंग कैपेसिटी, तो इजिली इस आइसक्रीम के लिए मुझे 130 दे देंगे। सेम गुड, लेकिन लोकेलिटी चेंज होने पर देखिए प्राइस में चेंज आ गया। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अपनी सिटी में किसी पॉश एरिया में चले जाइए, आप देखेंगे सेम गुड के प्राइसेस वहां पे हायर हैं, जबकि किसी नॉर्मल लोकेलिटी में वही सेम गुड लोअर प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तो लोकेलिटी के हिसाब से भी आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है? एक और चीज होती है इसमें, एक और तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वो क्या है, यूज ऑफ ट्रेड के हिसाब से। अब यूज ऑफ ट्रेड में कैसे डिफरेंशिएट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल एलपीजी है। एलपीजी सिलेंडर्स जो आते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, गैस जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं टू कुक, तो एलपीजी सिलेंडर्स का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो अगर आपको नहीं मालूम है
वैसे तो मालूम ही होगा, बहुत जनरल सी बात है कि एलपीजी सिलेंडर की जो कॉस्ट है वो अगर हाउस होल्ड ले रहे हैं है ना, तो हाउस होल्ड के लिए ये सेम एलपीजी सिलेंडर कंपैरेटिवली चीप है, जबकि अगर ये कमर्शियल यूज के लिए जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह ले रहा है, तो उनके लिए ये एक्सपेंसिव है, सेम है पर दोनों के प्राइस अलग है। कमर्शियल सिलेंडर्स उनको बोलते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए ये तो हुई आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए, सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट डिग्री, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, क्यों? क्योंकि इसमें जो सेलर है वो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है बायर का, ठीक है, और ये ऑब्वियसली सेलर्स के इंटरेस्ट में होगा, यस और नो? और ये कब होता है? व्हेन सेलर, जब सेलर क्या करे, अपने एक ही गुड की अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग प्राइस पे सेल कर सके। यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होगा बायर्स का, राइट, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सेलर का, क्यों? बिकॉज ही विल बी एबल टू सेल डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम गुड एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है ना, डिफरेंट प्राइसेस पे फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम गुड। बोलिए, बात क्लियर हो गई? ठीक है, और जब ऐसा होगा तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस जीरो आएगा, फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस जीरो आएगा, ओके? सेकंड डिग्री क्या होगा? इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए बल्क ऑर्डर एंड रिटेल। देखिए गुड सेम है, आप एक पेन लेने गए, आपको प्राइस पड़ा 10 रुपीज, कोई 1000 पेन, सेम पेन की 1000 यूनिट्स लेने गया, उसको प्राइस पड़ा 8 रुपीज का एक पेन। तो जब क्वांटिटी यहां पे वेरी कर जाती है, तब प्राइस में जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगे तो वो सेकंड डिग्री का आता है। बल्क ऑर्डर ऑब्वियसली आपका चीपर होगा, और आपका रिटेल में अगर आप लोगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। गेटिंग मी? अच्छा, अब अगर हम बात करें थर्ड डिग्री की, सो इट इज वेरी सेम एज वो जो लोकेलिटी वाला मैंने आपको बताया था, वो रोल यहां पर आएगा। तो थर्ड डिग्री, मैंने आपको क्या बताया था कि मेरी दो शॉप है आइसक्रीम की, एक मैंने पॉश एरिया में अभी नई नई खोली है, और एक पुरानी थी नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल लोकेलिटी। तो जो पॉश एरिया था वहां पे मैं एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज कर रहा था एक ही गुड के, सेम गुड के। वही चीज यहाँ थर्ड डिग्री में होती है कि क्या करेगा आपका सेलर, वो सेम गुड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। एक ग्रुप यानी रिच लोगों का ग्रुप है, तो इनसे ज्यादा पैसे ले लिए। अगर नॉर्मल बायर्स को बेच रहे हैं, उनको नॉर्मल प्राइसेस में बेच दिया, सेम गुड उसके डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दीज आर दी 3 degrees of price discrimination. So I hope guys, ये topic आपको पूरी तरह से clear हो गया होगा। Past year question है ये UPSC का, economics optional का, आपको समझ में आ गया होगा। Thank you. Take care. Bye.